हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टेंस को। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका टाइम, यानी कि कोई भी समय होना चाहिए, और एक होता है आपका एक्शन या फिर कोई भी एक काम होना चाहिए। यदि किसी वाक्य में समय के बारे में जानकारी हो और काम के बारे में जानकारी हो तो वही टेंस होते हैं। मैंने समय आपको बताए थे, तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। समय आपके पास तीन होते हैं, और जो काम होते हैं वह भी आपके पास तीन होते हैं। पहला था कंटिन्यूअस, जो काम जारी हो। दूसरा था परफेक्ट, जो काम पूरा हो चुका हो। तीसरा था कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, यानी कि कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कुछ काम हो भी चुका है और कुछ काम अभी जारी है। और चौथा जो मैंने बताया था वह बताया था इंडिफिनिट, यानी कि जिस काम के बारे में हम सुनिश्चित नहीं हों कि इस काम की स्थिति क्या है, यानी यह काम अभी हो रही है या यह काम अभी नहीं हो रही है। तो इतना मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। और आपको बताया था कि यदि पास्ट रहता है तो उसे हम लोग डिनोट करने के लिए वाज, वर या हैड का यूज करते हैं। यदि प्रेजेंट रहता है तो इज, एम, आर, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। और वही फ्यूचर रहता है तो उसके लिए सेल या विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह मैंने आपको बताया था। और साथ में कंटिन्यूअस हो तो वी आई एन जी यानी बिफोर का, परफेक्ट हो तो वी थ्री का, परफेक्ट और कंटिन्यूअस हो तो बीन प्लस वी थ्री का, और इंडिफिनिट हो तो वी वन, वी टू और वी फाइव का उपयोग करते हैं। तो मैंने इतना आप लोगों को बताया था, हर एक के बारे में आपको डिटेल से समझाया भी था। तो आई थिंक आपको इतना याद हो गया होगा। तो आज हम इसके आगे चलते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाए। तो चलिए, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वह प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला जो हम टेंस देखेंगे वह प्रेजेंट देखेंगे और इससे संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सवाल ले रहे हैं वह हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी इसी को बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट। इसलिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट एक ही होते हैं या अलग अलग, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कौन होंगे, तो वह काम प्रेजेंट है तो वह काम जो अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, और इंडिफिनिट यानी जिस काम के बारे में हम नहीं बता सकते कि वह काम अभी चल रहा है या काम समाप्त हो चुका है। जैसे यदि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, राम पढ़ता है, पहला हो गया राम पढ़ता है। मैं दूसरा लिख रहा हूं, राम पढ़ रहा है, और तीसरा लिखा मैंने कि राम पढ़ चुका। चलिए, अब तीनों को देख के आप तीनों के कार्य के बारे में बता सकते हैं कि ये काम इसका हो रहा है या नहीं। देखिए, चलिए पहले मैं इसको लेता हूं, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है यानी कि है काम तो अभी का है, ठीक है। अब देखिए, पढ़ रहा है मतलब कि अभी काम वो चला रहा है, अभी पढ़ने का काम उसका चल रहा है, यानी कि यह तो हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस क्योंकि चल रहा है। देखिए, पढ़ चुका है यानी वो पढ़ के समाप्त कर चुका है, यानी कि यह काम पूरा हो गया है, तो यह हो जाएगा आपका परफेक्ट, ठीक है। तो यह आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया या आपका परफेक्ट हो गया। लेकिन पढ़ता है, ये तो देखिए पढ़ता का क्या मतलब है कि हमें यह तो पता है कि राम पढ़ता है, लेकिन यह भी वो पढ़ रहा है या अभी वो नहीं पढ़ रहा है, यानी कि अभी वो काम कर रहा है या काम कंप्लीट हो गया, उसके बारे में हम नहीं जानते। इसीलिए यह जो है यह हो जाएगा हमारा सिंपल या इनडेफिनिट, ठीक है। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं खाता हूं, पहला है मैं खाता हूं,
दूसरा एग्जाम्पल है, मैं खा रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल है, मैं खा चुका हूं। तो आपके पास फिर से यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए बताइए, तीनों में से कौन है जो कि सिंपल में होगा, किसके बारे में हम निश्चित नहीं है। देखिए, मैं खा रहा हूं यानी कि खाने का काम अभी चल रहा है, मैं खा चुका हूं यानी कि मैं खाना खा कंप्लीट कर चुका हूं, और मैं खाता हूं का मतलब यह है कि मैं खाता हूं, मैं खाने का काम करता हूं लेकिन कब खाता हूं, या भी खा रहा हूं या नहीं, मैंने खा लिया है या नहीं या पता नहीं चल रहा है, तो यह भी क्या हो जाएंगे, तो यह आपके सिंपल हो जाएंगे। तो इन दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम पहचाने कि कौन सिंपल में है, कौन कॉन्टिन्यूअस में है और कौन आपके परफेक्ट में है। ठीक है, तो आप इतने आप तक समझ चुके होंगे। तो चलिए अब मैं इसे बनाता हूं कि किस प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंस को बनाया जाए, किस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन किया जाए। तो चलिए मैं पहले एग्जांपल को ही लेता हूं, जो था मेरा क्या, राम पढ़ता है। हमारा जो पहला एग्जांपल था वह था कि राम पढ़ता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक इसमें प्रेजेंट में है और इनडिफिनिट में है, तो मैंने बताया था इससे बताने वाला V1, V2 या V5 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे V1 और V5 ये दोनों तो आपको प्रेजेंट को बताता है, ये दोनों आपका किसको बताता है, प्रेजेंट को, लेकिन V2 जो है वो आपको पास्ट को बताएगा, V2 पास्ट को बताएगा, V1 और V5 आपका प्रेजेंट को बताएगा, यानी कि यहाँ हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हम V1 और V5 पढ़ेंगे, यहाँ पे हम V2 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो V1 और V5। ठीक है, तो देखिए राम पढ़ता है, सबसे पहले इसमें जो काम करने वाला है वो कौन है, बोलिए सर काम करने वाला राम है, पढ़ने का काम कौन रहा है, राम कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा राम। ठीक है, जो काम कर रहा है उसका नाम लिखना है, उसके बाद तो बोले कि यहाँ पे या तो V1 लगेगा या V5 लगेगा, दोनों में से कौन लगेंगे, V1 लगेंगे या V5 लगेंगे। देखिए इसके लिए अब एक चीज याद करना है आपको कि V1 का उपयोग वहां करते हैं जहां एक से अधिक होता है, जहां एक से अधिक हो V1, जहां पे केवल एक हो V5, जहां पे एक से अधिक हो V1, जहां पे केवल एक हो V5। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, आई आई यानी कि मैं, आई मतलब कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन आई के साथ आपका क्या होगा, आई के साथ आपका V1 का उपयोग होगा, V5 का उपयोग नहीं होगा। तो क्या याद रखना है आपको कि आई के बाद कोई भी चीज जो एक से ज्यादा हो उसके साथ V1 का उपयोग करेंगे, जैसे देखिए बॉय कितने हैं, एक है तो V5, लेकिन वही यदि मैं बात करूं बॉयज की तो एक से अधिक हो गए V1, यदि मैं बात करूं कैट की तो एक है हो जाएंगे आपके V5, लेकिन ऐसी को यदि मैं कर दूं कैट्स तो क्या हो जाएंगे, V1 हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं MAN मैन की, मैन मतलब आदमी, तो V5 हो जाएगा, लेकिन वहीं पे मैं याद करूं MAN मैन की, क्योंकि क्या होते हैं आदमियों एक से ज्यादा, तो यह हो जाएंगे आपके V1। जैसे कि मैं यदि बात करूं गर्ल की, गर्ल यानी कि लड़की, तो V5, लेकिन यदि यहीं पे मैं लिख दूं गर्ल्स तो क्या हो जाएंगे, V1। ठीक है, यानी कि यदि एक हूं, केवल एक हूं तो V5, एक से अधिक हूं तो V1। ठीक है, तो चलिए आप इतना समझ गए होंगे, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए राम पढ़ता है, राम कितना लड़का है, केवल एक लड़का है, तो यानी कि V5, और V5 को कैसे लगाते हैं, यस या यस लगा के, ऐसे आई एस लगा दिए तो V5 बन गया, और V1 जो होता है वही रहता है। तो पढ़ता, पढ़ता का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, पढ़ता का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, राम रीड, लेकिन एक आदमी है इसलिए हो जाएगा एस, राम रीड्स, क्या हो जाएंगे, राम रीड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है सीता खेलती है। एग्जाम्पल क्या है कि सीता खेलती है, सीता खेलती है। ठीक है, तो कौन काम कर रहा है खेलने का, सीता कर रही है, तो
तो सीता लिखेंगे, SITA, सीता। काम क्या है? खेलना का क्या होता है? प्ले, सीता प्ले। लेकिन यहां पे आपको रुकना, थोड़ा सोचना कि देखिए सीता खेलती है तो सीता किसी एक लड़की का है, सीता का काम बात तो बोल रहे हैं, यानी कि हम किसी एक के बारे में बात बोल रहे हैं, तो सीता और B5 के लिए एस लगा देंगे, हो जाएगा सीता प्लेस। क्या हो जाएगा? राम पढ़ता है राम रिड्स, सीता पर खेलती है सीता प्लेस। जैसे मैं एक और दे दूं यहां पे, लड़का दौड़ता है, लड़का क्या करता है? दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। देखिए लड़का दौड़ता, हम यह नहीं बता सकते हैं कि वह लड़का अभी दौड़ रहा है या अपना दौड़ वो कंप्लीट कर चुका है, या हम नहीं बता सकते। इसलिए लड़का दौड़ता है उसे आप में माना जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो देखिए कौन दौड़ने काम कर रहा है? तो लड़का, तो लड़का का अंग्रेजी क्या होता है? तो यह होता है आपका बॉयज। लड़का का अंग्रेजी क्या होता है? बॉयज। दौड़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रन, ठीक है। लड़का का अंग्रेजी बॉयज नहीं, लड़का का अंग्रेजी बॉयज नहीं, लड़का का अंग्रेजी होता है बॉय। लड़का का अंग्रेजी क्या होता है? बॉय। यदि यहां पे लड़के होते, यदि यहाँ पे लड़के होते तब लगाते बॉयज, ठीक है। तो बॉय और यहाँ पे हो जाएंगे आपके रंस, बॉयज बॉय रंस, लड़का दौड़ता है बॉय रंस, सीता खेलती है सीता प्लेज, राम पढ़ता है राम रीड्स, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसका थोड़ा आगे, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद इसके आगे के सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि जो एक वचन रहते हैं, यानी कि जो केवल एक हैं, उसे यहाँ पे किस प्रकार से बनाए जाए। चलिए अब मैं लेता हूं जो एक से ज्यादा है। जैसे मैं यदि बात करूं कि लड़के खेलते, क्या मैंने लिखा है कि लड़के खेलते हैं, तो अब आप एक ध्यान दीजिए, लड़का यानी कि एक लड़का, लड़के यानी कि एक से अधिक लड़के, लड़का यानी कि कोई एक, लड़के यानी कि एक से अधिक होते हैं, ठीक है। तो लड़के, तो देखिए लड़का क्या होता है? बॉय। लड़का क्या होता है? बॉय। लेकिन जब बात एक से अधिक की आ जाती है तो इसके साथ लग जाता है एस या ई एस, तो बॉय के साथ लग जाएगा एस, क्या बन जाएंगे? बॉयज। एक से अधिक लड़के को क्या बोला जाता है? बॉयज। तो लड़के यानी कि बॉयज, खेलते हैं यानी कि प्ले। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे एक से अधिक लड़के हैं, एक से अधिक लड़का है, तो मैंने बताया कि यदि एक से अधिक हो तो V1 होगा, प्ले होगा। आप इसको कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं, बोलेगा क्या? देखिए यदि यहाँ पे एस हम लगाते हैं, यदि पहले हम एस लगाते हैं तो बाद में एस नहीं लगाएंगे, यदि पहले एस लगाते हैं तो बाद में एस नहीं लगाएंगे, और यदि पहले एस नहीं लगाते हैं तो बाद में एस लगाएंगे, पहले यदि एस नहीं लगाते हैं तो बाद में आप एस लगाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए बॉयज को हमने बना दिया बॉयज, इसको पढ़ेंगे बॉयज, तो बॉय को हमने बना दिया बॉयज, तो रन्स में जो एस था वो एस हट गया, क्या हो गया? प्ले, ठीक है। तो चलिए यह हुआ बॉय प्ले। चलिए एक और लेते हैं, अब की बार हम लिखते हैं कि लड़कियां पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती है, ठीक है। तो आपको इसे बनाना है कि लड़कियां पढ़ती हैं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? सबसे पहले बताइए लड़कियां पढ़ती हैं, आप यह बता पा रहे हैं कि अभी वो पढ़ रही है या नहीं? नहीं बता पा रहे। आप यह बता सकते हैं कि इसने पढ़ के कंप्लीट कर लिया? नहीं बता सकते, यानी कि वह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में। तो लड़कियां पढ़ती हैं क्या हो जाएगा? लड़कियां का होता है गर्ल, एक लड़की रहती है तो होता है गर्ल, लेकिन वही यदि एक से अधिक हो जाए तो क्या आ जाएगा इसमें? एस आ जाएगा, ये बन जाएगा गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स। और चूंकि एस यहाँ पे है और एक से अधिक है तो यहाँ पे हम एस नहीं देंगे, तो गर्ल्स रीड।
तो एक से अधिक V1, एक V5, एक से अधिक V1, एक V5। तो राम पढ़ता है राम रीड्स, लेकिन लड़के खेलते हैं तो बॉयज प्लेज, सीता खेलती है सीता प्लेज, लेकिन लड़कियां पढ़ती हैं तो गर्ल्स रीड। ठीक है, तो यह इसी प्रकार से सॉल्व होता है प्रेजेंट इन डिफिनिट जो है उसका ट्रांसलेशन। तो मुझे लगता है कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट थोड़ा पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ ट्रांसलेशन, जैसे कि यहाँ पे दिया है मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका अगर ये ट्रांसलेशन रहे क्या कि मैं पढ़ता हूँ, तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे? मैं पढ़ता हूं, तो मैं का क्या होता है? तो मैं का होता है आई, मैं का आई। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि हर एक एक के चीज के साथ लगेगा एस या यस यानी V5, लेकिन उसका एक अपवाद है आई, आई एक अपवाद है, इसके साथ क्या लगेगा? हमेशा V1 लगेगा, यानी कि हो जाएगा आई रीड, मैं पढ़ता हूं आई रीड। इसी तरह से यदि मैं यहां पे लिखूं कि तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, देखो यहां पे तुम है, लेकिन तुम को कभी कभी हम आप बोलते हैं, कभी यहां पे आप लोग हो सकते हैं, कभी तुम लोग भी हो सकता है, इसलिए तुम को हम लोग क्या मानते हैं? एक से अधिक मान के चलते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? यू, और एक से अधिक है इसीलिए केवल प्ले, तो यू प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले। ठीक है, यदि मैं यहीं पे बात करूं वह की, जैसे वह तैरता, वह क्या करता है? तो वह तैरता है। अच्छा बताइए वह क्या है? वह आने की कोई एक, वह आने की कोई एक, एक से अधिक रहेगा तो वे लोग, वह आने की कोई एक, और तैरता है या तैरती है, तो तैरता है किसे बोलोगे? लड़का को या लड़की को? तो बोल कैसा? जो लड़का रहेगा यानी कि जो पुल्लिंग हो रहेगा उसे तैरता बोलेंगे, और यदि स्त्रीलिंग का बात जैसे फिर हम बोलते सीता, तो सीता तैरती है, तो वह है, तो वह यहाँ पे पुल्लिंग है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वह होता है हमारा एच ई ही। क्या वर्ड यूज होता है? एच ई ही, तो वह तैरता है, तो ही स्विम, तैरना का होता है स्विम, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक व्यक्ति है इसलिए यहाँ पे लगेगा एस बी5, क्या हो जाएगा? स्विम्स, वह तैरता है या हो जाएगा आपका स्विम। तो आई थिंक ये आप ये बनाने के लिए सीख गए होंगे, आपको इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए उसके आगे हम देखते हैं जिसमें नहीं रहे वह सवाल कैसे बनेंगे, यानी कि यदि आपके पास सवाल दिया रहे कि राम नहीं खाता है, राम नहीं पढ़ता है, सीता नहीं दौड़ती है, गीता नहीं गाती है, तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज मैं एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूं, जैसे राम के नाम से ही, राम नहीं खाता है। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल है, राम नहीं खाता, ऐसे कॉमन एग्जाम्पल भी है, आपको हर एक बुक में भी मिल जाएंगे, आप कोई भी ट्रांसलेशन का बुक बनाए वहां पे आपको जब मिले जाएंगे कि राम नहीं खाता है का ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया, अजीब सा वर्ड, नहीं, क्या आ गया? नहीं, तो नहीं जो है नहीं, इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे और कुछ हटाएंगे भी, क्या? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए राम है, तो राम का इंग्लिश तो राम ही होता है। ठीक है, और राम कितना लड़का है? केवल एक है, तो खाना का ईट होता है, खाना का क्या होता है? ईट, और कोई एक है इसलिए एस लगाएंगे, इट्स, क्या हो गए? राम इट्स, किसका? राम खाता है, नहीं को यदि हटा देते हैं तो राम खाता है, राम इट्स, और नहीं का अंग्रेजी तो आप लोग जानते हैं नॉट, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? राम नॉट्स इट्स, बोलेगा हाँ सर, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा राम नॉट्स इट्स, ट्रांसलेशन हो गया, राम खाता है नहीं, राम नहीं खाता है। लेकिन यहां पे मैं आज आप लोगों को एक चीज बता दूं कि नॉट जो रहता है वो अकेले कभी नहीं रहेगा, वो अपने आगे कुछ ना कुछ जरूर लेगा, नॉट अपने आगे कोई ना कोई एचपी यानी हेल्पिंग, एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगा, नॉट कभी अकेला रहने वाला नहीं है, उसके आगे हमेशा इसे कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे या तो इसे इज, एम, आर,
वाज, वेयर, इस तरह से, या फिर डू, डिड, डज, इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो इसे हमेशा ही चाहिए, क्योंकि बिना कुछ लिए नॉट यहाँ पे आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए नॉट तो आ गया, लेकिन नॉट को यहाँ पे हम क्या नॉट को इज एम दे सकते हैं क्या? नहीं, इज एम आप यहाँ पे है ही नहीं, तो इज एम आप नहीं दे सकते। तो यदि हमारे पास कुछ देने के लिए ना हो तो वहां पे हम लोग देते हैं डू, क्या देते हैं? डू। यदि हमारे पास इज एम यार, वाज, वे यार, हैज, हैड, सेल, विल, ये सब कुछ नहीं हो तो हम देते हैं उसे डू देते हैं, क्या देते हैं? डू। तो मैंने यहाँ पे तो उसे डू दे दिया। ठीक है, चलिए, तो नॉट के पहले डू दे दिया, लेकिन यह जो डू है वो देखेगा कि कहीं पे इसमें वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म लगा हुआ है क्या। तो यहाँ, हाँ, यह देख रहा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वी फाइव, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो वह उसका एस ले लेगा और खुद बन जाएगा डज, क्या बन जाएगा? डज। तो इस प्रकार से जो इसका ट्रांसलेशन होगा वह क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार से जो ट्रांसलेशन होगा वह राम डू नॉट इट्स, यही हमारा ट्रांसलेशन होना चाहिए। लेकिन क्या बताए कि डू देखेगा कि कहीं पे भाव का कोई दूसरा अगर फॉर्म यूज हुआ है, यानी वी फाइव वी टू, तो वह उसको अपने पास खींच लेगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका डज, राम डज नॉट इट, राम डज नॉट इट। ओके, तो आप इसे इस तरह से याद रखिए कि यदि राम रहे, कोई भी एक चीज रहे, तो वहां पे हम लोग डज का यूज करेंगे। कहीं पे यदि एक चीज रहे तो वहां पे हम लोग डज का यूज करेंगे। तो राम डज नॉट इट, और यदि डू डज आने के लिए नॉट आ जाए तो बाद में एस ई एस का यूज नहीं होगा। चलिए, यह तो सिंगुलर का था, मैं एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं कि लड़के नहीं खाते हैं, लड़के नहीं खाते हैं, तो क्या बनाएंगे? लड़के है तो लड़के के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉज, क्या बताया? नॉट रहे, नहीं रहेगा तो नॉट डू। ठीक है, तो बॉयज डू नॉट ईट, बॉयज डू नॉट ईट। लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ ईट के साथ पास एस है क्या? बोलेगा सर यहाँ ईट के पास एस नहीं है, तो वह यहाँ तक ई एस लेने पाएगा, नहीं लेने पाएगा, तो यह बन जाएगा बॉयज डू नॉट ईट, बॉयज डू नॉट ईट। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा राम डज नॉट ईट, क्योंकि एक चीज है तो यहाँ पे एस आता, वो एस को ये ले लिया, तो राम डज नॉट ईट, और यहाँ पे चूंकि एस लगेगा ही नहीं इसलिए बॉयज डू नॉट ईट। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और लेते हैं, जैसे कि यदि मैं बोलूं सीता पढ़ती है, लेकिन हमें यहां पे बनाने हैं क्या, नहीं वाले बनाने से लिखेंगे सीता नहीं पढ़ती है, सीता नहीं पढ़ती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीता नहीं पढ़ती है, तो देखिए सीता है कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़की है, इसलिए सीता। ठीक है, और डू नहीं के लिए नॉट, पढ़ना रीड। लेकिन देखिए यहाँ पे एक लड़की है, इसलिए यहाँ पे एस आना चाहिए था, आना चाहिए था, लेकिन वो एस यहाँ नहीं जाके डज के पास आ जाएगा, यानी कि सीता डज नॉट रीड, सीता डज नॉट रीड, सीता डज नॉट रीड हो जाएंगे। और यहीं पे यदि मैं प्लूरल लूँ, यानी कि एक से अधिक की बात लूँ, तो वहाँ पे अपने लड़की लड़के लिए थे, यहाँ पे यदि मैं लूँ कि लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, तो इसका ट्रांसलेशन आखिर क्या हो? तो देखिए क्या है, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, तो बात है यहाँ पे लड़कियां की, तो लड़कियों के लिए क्या होगा, तो गर्ल मतलब होता है लड़की, लेकिन एक से ज्यादा है तो गर्ल्स, क्या हो जाएंगे? गर्ल्स डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट। और पढ़ना के लिए हम लोग वो जो वर्ड यूज करेंगे वह क्या यूज करेंगे, वह वर्ड यूज करेंगे रीड, क्या वर्ड यूज करेंगे? रीड, गर्ल्स डू नॉट रीड, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, गर्ल्स डू नॉट रीड, सीता नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट रीड, एक रहेगा डज, एक से अधिक डू। इसलिए चलिए अब मैं एक मैं पर भी बना लेता हूं कि आखिर मैं के साथ क्या आएगा। जैसे यहां पे यदि मैं ट्रांसलेशन लिखूं, एक
मैं नहीं लिखता हूं, कि मैं नहीं लिखता हूं, या मैंने एक ट्रांसलेशन लिया, मैं नहीं लिखता हूं, तो इसका क्या होगा? तो देखिए मैं है तो मैं के लिए आई, आई डू। देखिए मैंने क्या बताया था कि आई रहेगा तो V1 का यूज होगा, V5 का यूज नहीं होगा। चलिए एक चीज बताइए, आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट। देखिए यहाँ पे इसके साथ एस लगेगा, बोलेगा सर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी इसके पास ई एस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट राइट। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूं कि वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिखता है। चलिए बताइए, वह यानी कि कोई एक, वह यानी कि कोई एक, और लिखता यानी कि कोई पुल्लिंग है, तो लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही डू या डस। बोलेगा सर ही है, एक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डस, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट। यह हो गया यहां पे आपके ट्रांसलेशन इसके। ठीक है, तो यह हो गया यहाँ पे आपके इसके ट्रांसलेशन की, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट, और मैं नहीं लिखता हूं, आई डो नॉट राइट। तो यानी कि हमने प्रेजेंट सिंपल, यानी को सिंपल प्रेजेंट में जो हमसे ट्रांसलेशन पूछे जाते थे, जो अफर्मेटिव टाइप के यानी कि जिसमें नहीं नहीं हो और नहीं वाले दो हमने सीख लिए। अब चलिए तीसरा हम सीखते हैं कि जिसमें क्या लगा हो उसे किस प्रकार से बनाए जाए, यानी कि जिस ट्रांसलेशन में हमें क्या लगा के दिया गया है, आखिर उस ट्रांसलेशन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए आइए अब उसे सीखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेता हूं कि क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या राम खाता है। राम जो है वह खाने का काम करता है, और जब भी क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, वो फुल स्टॉप पूर्ण विराम नहीं देने। तो क्या राम खाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है क्या, एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है क्या। तो आप लोग बोलिए सर क्या का मतलब तो वाट होता है, क्या का मतलब तो वाट होता है। तो अब हम लिख सकते हैं वाट राम इट्स, वाट राम इट्स। लेकिन नहीं, यह जो क्या है, यह जो क्या होता है और यह जो मैंने यहां पे क्या लिखा है, दोनों सेम नहीं, दोनों सेम नहीं है। यहां जो क्या है उसका यूज हम वाट नहीं करेंगे, उसका मतलब वाट नहीं होता है। दोनों में क्या अंतर है? देखो मैंने यदि तुमसे पूछा कि क्या राम खाता है, तुम्हारा एग्जाम्पल क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? बोलेगा या तो बोलो कि हाँ राम आम खाता है, या नहीं राम आम नहीं खाता है। लेकिन यदि मैं इस क्या के लिए एक बार लाइन लिखूं तो ये लिखाएगा कि राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं, क्या राम खाता है, इसका आंसर क्या होगा? यस नो, हाँ राम खाता है, नहीं राम नहीं खाता है। राम क्या खाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कि सर राम आम खाता है, राम जो भी खाता है, चावल खाता है, रोटी खाता है, चपाती खाता है। तो राम क्या खाता इज डिफरेंट, एंड क्या राम खाता है, दोनों में जो क्या है या क्या क्या है अलग है। तो जब भी किसी चीज के बारे में पूछे जाए तो हम इस बीच में क्या का यूज करेंगे, लेकिन जब पूछे जाए कि यह करता है या नहीं करता है, वैसे केस में हम क्या के लिए इस क्या का यूज करेंगे, यानी क्या को पहले करेंगे। यानी कि जिसका आंसर एस नो में मिले उस क्या का यूज पहले होता है, और जिसका आंसर एक लाइन में मिले, किसी चीज कोई चीज जिसका आंसर हो वह बीच में क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले इस क्या को देखते हैं, इसका इंग्लिश वाट नहीं होता है, ये आप सभी अपने माइंड में फिक्स कर लें। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस क्या से जो सेंटेंस बनेंगे वह किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो क्या राम खाता है, तो देखिए सबसे पहले चलिए इसका बनाते हैं। तो राम खाता है का क्या हो जाएगा? राम इट्स, राम इट्स,
राम खाता है राम इस। देखिए देखिए, जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो यहाँ पे जो आता है वह एचपी यहाँ आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है? सॉरी, एचपी नहीं, एचवी यहाँ आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो उसमें होता है वह यहाँ आ जाता है। और जब मैंने नॉट वाला आपको बताया था, जब मैंने नॉट वाला बताया था तो क्या बोला था? यदि कहीं पे इज वेर आर वाज वेर हैज हैव हैड सेल शुड कुड मे माइट ये सब यदि नहीं रहे तो हम देते हैं अपनी ओर से डू। क्या देते हैं? अपनी ओर से डू। और डू का यह नियम है कि कहीं पे भी यदि ये एस ई एस बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव कुछ भी ये देखेगा उसको ये खींच के ले आएगा अपने पास। तो यहाँ पे इसको देख रहा है तो ये एस को उठा के यहाँ ले आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। क्या हो जाएगा? डज। और यहाँ पे एस हमारा नहीं रहेगा तो इसका हो जाएगा डज राम इट, डज राम इट। तो आई थिंक आप लोग यहाँ समझ गए होंगे इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाए जाएं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या मोहन पढ़ता है? क्या मोहन पढ़ता है? तो चलिए सबसे पहले तो बनाएंगे हम मोहन पढ़ता है। तो देखिए कोई भी नाम का जो पहला अक्षर होता है वो आपको हमेशा बड़ा ही लिखना चाहिए, बीच में हो या कहीं भी हो। तो मोहन रीड्स, क्या होते हैं? मोहन रीड्स। लेकिन देखिए क्या है, ये एच बी खोजेगा, एच बी इसमें ये सेम यार कुछ नहीं है तो ये बुला लेगा किसको? तो ये बुला लेगा डू को। डू आएगा, डू देखेगा कि दे यहाँ पे एस है तो एस को हम अपने पास ले आएंगे, तो ये एस को अपने पास ले आएगा और बन जाएगा डस। और यहाँ पे हमारे पास एस नहीं बचेंगे, यहाँ पे हमारे पास एस नहीं बचेंगे तो डज मोहन रीड, डज मोहन रीड और डज राम इट। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, वैसे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए अब मैंने वही लिया था जो केवल एक का बात करे, राम और मोहन। अब मैं ऐसे सेंटेंस बोलूंगा जो एक नहीं ज्यादा की बात करे। जैसे कि मैं शुरू करता हूं मैं से, क्या मैं खेलता हूं? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर आप लोग या तो बोलेगा एस आप खेलते हैं या फिर नहीं खेलते, ठीक है, यानी कि एस और नो। तो सबसे पहले इसका बनाएंगे क्या हो जाएगा? आई प्ले, आई प्ले। और चूंकि क्या है तो क्या क्या लाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब, आने की हेल्पिंग वर्ब बेकार का कौन है? डू। जहां पे कोई काम नहीं वहां पे डू को उठा के ले जाओ तो क्या बन गया? डू आई प्ले। अब जैसे ही ये डू आया खोजने लगा कि अरे कहीं पे एस है क्या, कहीं पे वर्ब का कोई दूसरा रूप है क्या, तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा? यहाँ पे तो नहीं है तो इसको ईएस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो डज आई प्ले, डज आई प्ले, ठीक है, क्योंकि ये डू आया खोजा कहीं पे भी, हर जगह खोज लिया कहीं पे भी इसको भी फाइव नहीं मिला तो ये अपने पास ईएस को नहीं लाने पाया तो बन गया डज आई प्ले। ओके चलिए एक और देखते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं, क्या लड़के लिखते हैं? क्या लड़के जो हैं वह लिखते हैं? तो क्या हो जाएगा? क्या है इसके लिए? डू लड़के, लड़के का क्या हो जाएगा? बॉयज, डू बॉयज और लिखना का राइट। जैसे ही ये डू यहाँ पे आया, जैसे ही ये डू यहाँ पे आया खोजने लगा कि अरे कहीं पे भी है यस या यस, तो खोज रहा है देखा कि यहाँ पे तो यस है तो क्या ये इस एस को ले सकता है? बोलेगा नहीं सर, ये इस एस को नहीं ले सकता है क्योंकि बॉयज यहाँ पे कोई काम नहीं है, बॉयज यहाँ पे कोई वर्ब कोई क्रिया या फिर कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यह इस एस को तो नहीं लेगा। ये दे सकता है तो केवल यहाँ से जो वर्ब हो जो क्रिया हो या जो काम हो, लेकिन यहाँ पे इसको एस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है तो यहाँ तो ये एस है नहीं, इसलिए यह एस नहीं लेने पाएगा, बन जाएगा डज बॉयज राइट, डज बॉयज राइट। तो यहाँ तक आपका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट था यानी जो सिंपल प्रेजेंट था जिसको कि आप लोग रटते थे, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते है रहे, तो वहाँ पे भी वन रहने पे हम लोग वहाँ पे यदि सिंगुलर वर्ब है तो हम लोग भी वन का क्या कहते हैं भी फाइव का यूज करते हैं, प्लुरल आने पर भी वन का यूज करते हैं, तो आई थिंक आपको अब इतना रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप ये अब से समझ गए होंगे और आप अपने बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना से जितना दिख चाहें। और यदि आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको
उसका जवाब देने की, अपनी उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के सेंटेंस के साथ, जिसमें कि हम अब इस प्रकार के सवालों को पढ़ेंगे, जैसे राम क्या खाता है, जिसका कि मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था। तो अगले सेंटेंस, अगले वीडियो में हम इस प्रकार के वाक्य को बनाना सीखेंगे कि आखिर इस प्रकार के वाक्य को किस प्रकार से बनाए जाए। और यह जो मेथड है, यदि आप इस मेथड को याद कर लेते हैं, इस मेथड की पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप सवाल सुनते ही जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर्स के साथ, इसके आगे बनाने के मेथड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।